हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में हम लोग फाइनली कंडीशनल पे स्टार्ट करेंगे। तो कंडीशनल या ब्रांचिंग किसे बोलते हैं? तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूशन कैसे होता है, लाइन बाय लाइन होता है। पहले कोड से रन होना स्टार्ट करता है और लास्ट लाइन पे जाके ख़त्म होता है। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन, कि किसी कंडीशन के ट्रू होने पे या किसी कंडीशन के फॉल्स होने पे, अगर हम बस वो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कंडीशनल की ज़रूरत पड़ती है या ब्रांचिंग जिसे बोलते हैं। तो कंडीशनल और ब्रांचिंग के अंदर क्या आता है? तो इसके अंदर तीन डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट है, जैसे इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ स्टेटमेंट पे देखेंगे। तो कंडीशनल के तीन पार्ट है। सबसे पहला है इफ़ स्टेटमेंट। तो हम लोग इफ़ स्टेटमेंट पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। ए काफ़ी अच्छा नाम है वेरिएबल का, मत रखो ऐसा नाम, अच्छा नाम रखो। तो ए इक्वल टू, मान लो मैंने 10 डिफाइन कर दिया। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ स्टेटमेंट मतलब इफ़ का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इफ़ एक्सप्रेशन बॉडी एग्जीक्यूट। तो ये एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन एक कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं। और ये इसका जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बुलियन, क्योंकि इफ़ को जो एक्सप्रेशन पे चाहिए एज एक बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए होता है। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन रिजल्ट होगा वो बुलियन में होना चाहिए, ताकि अगर इफ़ पे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है अगर वो ट्रू पे रिटर्न करता है, यानी ट्रू एज अ बुलियन रिटर्न होता है, तो ही इफ़ के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। वरना कंपाइलर क्या करेगा, अगर ये जो एक्सप्रेशन ये फॉल्स होता है, तो इफ़ ये पूरे इफ़ के अंदर जितने भी लाइन ऑफ कोड है, मान लो अगर 10 लाइन ऑफ कोड है इसके अंदर, तो इसको पूरे को स्किप कर जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू कर जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे काम करता है। तो इफ़ मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, रिलेशनल एक्सप्रेशन, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5, ओके, तो ये ट्रू है। तो इसके अंदर मैं प्रिंट कर सकता हूँ कुछ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एम इन साइड इफ, सेमी कॉलन नहीं बोलना, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और एक और प्रिंट लिखते हैं, हाई आई एम आउटसाइड इफ। ओके, तो इसको रन करते हैं। जावा सी कंडीशन कंपाइल हो गया, कंडीशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें प्रिंट हुई है, हाई आई एम इनसाइड इफ, हाई आई एम आउटसाइड इफ। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था ए, ओके, ए का वैल्यू हमने 10 इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद ये इफ़ स्टेटमेंट में हमने बताया कि जो कंपाइलर है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हुए आता है, तो ये यहाँ पे 10 नंबर लाइन पे पहुँचा। इसको इफ़ दिखा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा। ओके, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये जो इसका आउटपुट होगा वो एज ए बुलियन रिटर्न होगा। तो क्या है, ए ग्रेटर देन 5, तो 10 ए का वैल्यू कितना है, 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ट्रू, ट्रू है तो क्या होगा, इफ़ के बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो इफ़ के बॉडी के अंदर क्या है, एक प्रिंट स्टेटमेंट है, हाई आई एम इनसाइड इफ़। तो ये हाई आई एम इनसाइड इफ़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हाई आई एम आउटसाइड इफ, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसका वैल्यू 4 कर देता हूँ, सेव करता हूँ कंट्रोल एस, कंट्रोल सेव, ठीक है, कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, रन करते हैं। ये क्या प्रिंट हुआ, बस हाई आई एम आउटसाइड इफ। तो क्योंकि वैल्यू ए का वैल्यू 4 है और यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 5 नहीं, फॉल्स है, तो ये पूरा जो कोड है वो स्किप हो जाएगा और इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम दो लाइन ऑफ, दो से ज़्यादा भी, कितने लाइन ऑफ भी इफ़ के अंदर लिख सकते हैं। तो अगर मैंने इसका वैल्यू 6 कर दिया ताकि ये ट्रू हो जाए, तो मैंने रन किया तो ये 2 बार प्रिंट हुआ। ओके, तो
इफ के में एक शॉर्टकट ये है कि अगर आप एक ही लाइन इफ के अंदर लिख रहे हो तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है आप इसको रिमूव कर सकते हो। लेकिन ये बस तभी है कि अगर इफ के अंदर एक ही लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, अगर एक से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आएगा आपको, या जो है उसको वो कंसिडर नहीं करेगा इफ के अंदर। तो एक ही लाइन है तो आप उसको बिना कर्ली ब्रेसेस के भी चला सकते हो। एक बार रन करके देखते हैं। हाई आई एम इनसाइड इफ, आई एम इनसाइड इफ, आउटसाइड इफ, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट समझ आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।